Om Shanti. So welcome all of you, and as always before we begin, Om Shanti, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. इससे पहले कि हम शुरू करें, हमेशा की तरह हम एक मिनट साइलेंस में बिताएंगे. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. पूरे विश्व में सबने ज्वाइन किया हुआ है, सारे विश्व के. आज का एपिसोड 79वां है और हम बहुत भाग्यशाली हैं. हमारे साथ सिस्टर डेनिस हैं, हमारे साथ ही हैं. चार और पांच टॉपिक्स में हमारे साथ आए हैं. हम सिस्टर डेनिस के बारे में कहेंगे कि वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा एवर रेडी रहते हैं. आप सभी जानते हैं इनको, बट फिर भी मैं थोड़ा सा नई बच्चों ने भी ज्वाइन किया है तो इन्होंने 1974 में ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन किया था. 1924 में इनकी 25 साल ये जो हैं, बहुत सारे सेंटर्स जर्मनी, कनाडा और यूएस में इनकी निमित्त रही हैं. इनके बैकग्राउंड में इन्होंने और सिस्टर चंद्रू ने इन्होंने इतना सुंदर जर्नी इनकी एडवेंचर की थी. बहुत सारे इन्होंने सेंटर यूएस और कनाडा में खोले हैं. आप ज़्यादा से नहीं जानते होंगे, इन्होंने 100 से ज़्यादा राजयोगा टेलीविज़न प्रोग्राम की हैं और टीवी प्रोग्राम जो हैं वो 100 से ज़्यादा एडिक्शन के ऊपर भी आते हैं. ये फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती हैं, लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं. ये हिंदी भी बोलती हैं. 2001 से 2007 तक माउंट आबू में थी. वहाँ पर इन्होंने 10 किताबें लिखी हैं, बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में. नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ये कनाडा की. 3-4 साल ये कनाडा की कोऑर्डिनेटर रही हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर. जैसे हम बात करेंगे इनसे, ये कोविड से जब से हुआ है, ये 2020 से 19 से ये फ्रांस में हैं और बहुत सारे हमारी श्रद्धा है इनकी तरफ और सीनियर्स की तरफ, जिन्होंने बहुत टाइम दिया है इन सब टॉक के लिए. हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. इनके लिए सुंदर सी कविता है जो आज हम श्रद्धा की कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी है कविता. हम इनकी ग्रेशियस प्रेजेंट को वेलकम करते हैं, जो आज हमें श्रद्धा की महत्वता को बताएंगी. आज के समय में और आज के युग में, जो कि हमारे को बहुत ग्रेट सेंस करता है, क्योंकि जो डिसरेस्पेक्ट है, डिसरिगार्ड है, वो नॉनसेंस है, जिससे कि हम घने काले बादलों से घिरे हुए हैं. हम जैसे जीवन जी रहे हैं एक फेंस के ऊपर, जो मानवता है बहुत सफर कर रही है. हम एक दूसरे को देखकर उनका मजाक बनाते हैं, ना जानते हुए कि कर्मा की क्या फिसॉलिबिलिटी है. तो हम कहेंगे कि ये जो फॉल्स प्रिटेंस है, इसको हम अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्पेंस करना है, देना है. परमात्मा खुद आते हैं और सारा सस्पेंस हटाते हैं और बहुत इमेंस, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा खुशी हमें जीवन में देते हैं. इन सब लाइनों के साथ मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि आप इनका जो है, सिस्टर डेनिस का वेलकम करें. ओम शांति, गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से. हम अब सुबह की शुरुआत कर रहे हैं.
बहुत भाग्य की बात है आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है आपके लिए, आप हमें सिखा रहे हैं बहुत बहुत सालों से, हमारे लिए आप इतने सुंदर पॉइंट्स लेकर आए हैं क्योंकि आप बहुत गहराई में जाते हैं पॉइंट के, और मैं चाहती हूँ जो क्लासेस आप देते हैं मैं हमेशा सुनती हूँ, जो भी पॉइंट्स आप लेकर आते हैं हमारे मन में बहुत आपके लिए रिस्पेक्ट है, जो श्रद्धा जो है इसका मतलब गहराई से रिस्पेक्ट होता है, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सुंदर फूल ये लेके आई हूँ। तो जो श्रद्धा है वो व्हाइट फ्लावर, और जो रोजेज हैं वो हमारा प्यार है आपके लिए, हम आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, आज हमें आप क्या सिखाने वाले हैं हम बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया हम करते हैं। थैंक यू। इससे पहले जो सिस्टर डेनिस बातचीत शुरू करें, पहले आप इंटरप्रिटेशन के हाउसकीपिंग ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसकी जा सकते हैं। पहले 50 से 50 मिनट तक बातचीत होगी, फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो आप हमको भेज सकते हैं। तो आप ये प्रश्न जो आपके हैं वो आप मेरे को भेज सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। ये जो शब्द है श्रद्धा, बहुत ही रोचक शब्द है ये। मेरी जो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि घर में हमारे साथ रहती हैं, हम बात कर रहे थे, हम डिक्शनरी में गए और बहुत सारे सोर्सेस हमने देखे कि ये जो वर्ड रेवरेंस है, श्रद्धा है, कैसे ये इसकी डेफिनेशन है और ये कैसे बताया जाता है। जैसे भाषा जो है वो डिवेलप होती है, आगे बढ़ती है, इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज है बहुत सारे कल्चर्स में और बहुत सारी कंट्रीज में, इंग्लिश जो है वो बहुत ही शताब्दियों से बोलते आ रहे हैं, 2-3 सेंचुरीज से इंग्लिश जो है वो भाषा रही है और ये डिवेलप हुई है अलग अलग भाषाओं में, जिसका मतलब है कि रेवरेंस शब्द जो है वो जो हमेशा अनुभव किया जाता है, अलग अलग देशों में इसको किया जाता है, तो हम उसका भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रांस में हूँ जहाँ पर की फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जो रेवरेंस का शब्द रेफरेंस जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लैंड में रेवरेंस ये वो शब्द है जो हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नेचर के लिए भी, प्रकृति के लिए भी हम इस शब्द को यूज करते हैं यूके में, और इस शब्द को हम यूज करते हैं बहुत हाई, उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं जो कि बहुत इंसानों से ऊंचा व्यक्ति होता है, उसके लिए इसको सम्मान से अलग होता है ये। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत ही रेयर होता है, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ऊंचा होता है लोगों में, उसको हम, उसके लिए हम रेवरेंस रखते हैं, यानी श्रद्धा रखते हैं, जिसका बहुत बहुत प्रभाव होता है उसके चरित्र की वजह से, एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहां से कि वो तुम्हारे और भगवान के बीच में होता है, लेकिन वो साधारण आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं होता, उसके लिए हम श्रद्धा रखते हैं। और दुनिया के अलग अलग भागों में जो रेवरेंस शब्द है जिसमें यूज इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट होती है, जो कि बहुत लायक होता है, अमूल्य होता है, और ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत आपसे बड़ा होता है, जिसके को बहुत जीवन का अनुभव होता है और जिसने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, सोशल वर्क किया होता है या कोई लिटरेचर का वर्क किया होता है या पॉलिटिकल किया होता है, तो उसमें ये रेवरेंस शब्द उसके लिए यूज किया जाता है।
जो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं उस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत ज्यादा रोचक है। अलग अलग दुनिया में बहुत जो है वो भिन्नता है, इसलिए अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द जुड़ा हुआ है लोकल कल्चर से, जैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है कल्चर में। जब हम लोकल कल्चर की बात करते हैं तो मैं बात करती हूँ उस कल्चर की जो, जैसे ज्योग्राफिकल वेरिएशन होते हैं। जैसे हम देखें, अगर इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, जहाँ पर बहुत पुराने समय में राजधानियाँ हुआ करती थी, बहुत अलग अलग कल्चर में वहाँ से हुए हैं, एक सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे कल्चर हुए हैं। जैसे कि यूएसए में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है लोगों के मन में, और ईस्ट कोस्ट अलग है, वेस्ट कोस्ट अलग है, नॉर्दर्न पार्ट अलग है, सदर्न पार्ट अलग है, सेंट्रल पार्ट अलग है। तो कितनी भिन्नता है भाषाओं में, और शब्द का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। मैं इस शब्द के बारे में कहूंगी कि ये मेरे मन को पूरा इसने घुमाया है, कि मैंने अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों में देखा है इसका मतलब क्या होता है। जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, मूल्य और गुणों के बारे में, तो मैं सोच रही थी कि इसका जो आइडिया है, एक यूनाइटेड ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, जुड़ी हुई मानवता, जब मानवता अलग अलग हो गई, जो शब्द हम पोलराइज्ड यूज करते हैं, क्योंकि भाग हो गए हैं अलग अलग, और सभी जो है एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं। तो बहुत लड़ाइयां जो चल रही हैं विश्व के अंदर इस समय, जो मीडिया इसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है, जिससे कि पोलराइजेशन होता है, और लोगों के मनों में भी ये बात चलती है, और मन के जो संकल्प हैं उस बारे में बहुत चलते हैं। हम उसको सिर्फ फेस कर रहे हैं और इसको हम समस्या का हल नहीं कर सकते, तो ये बहुत असर डाल रही है, क्योंकि जो हिंसा है वो चल रही है, ज्यादा ही चल रही है। तो हम इसको सोचने में, देखने में इसको इतने बिजी होते हैं। ये जो लड़ाइयां हैं ये कल्चर्स के बीच में हैं, नेशनलिटी के बीच में हैं, धर्म की वजह से हैं, सिविलाइजेशन की वजह से हैं, नेशन और सिविलाइजेशन और लोगों। जब हम देखते हैं कि जो ये लड़ाई है, इसकी जो सिचुएशन है, ये जो हिंसा इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर, कि लोग क्या करते हैं इन सिचुएशन में, तो क्या करते हैं, वो परमात्मा को याद करना शुरू कर देते हैं और प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ है, और भगवान ये ऐसा कैसे होने दे रहा है। क्योंकि एक तरफ तो लोग जो हैं वो परमात्मा में विश्वास रखते हैं और बहुत धार्मिक हैं, और उस धार्मिक भावनाओं से और जो उनकी अजम्पशंस होती हैं कि गॉड को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन वो जो परमात्मा को किस बात के लिए ढूंढ रहे हैं, उससे और भी उनको कंफ्यूजन हो गई है। तो जो इनके विश्वास हैं कि ये कि परमात्मा हमें बचा लेगा, जो परमात्मा को मानते हैं और बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, उनको लगता है कि परमात्मा उन्हें बचा लेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। जो भक्ति के जगह होती हैं
उनको भी बहुत ज्यादा खत्म किया जा रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है लोगों के मनों में कि जिसके लिए हमें इतनी ज्यादा श्रद्धा है, परमात्मा के लिए रेवरेंस है, उनके जो आइडियल्स हमारे सामने हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि लोग जब ऐसे कार्य कर रहे हैं, हिंसा इतनी ज्यादा परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि और भी ज्यादा लोग मूंझ जाते हैं, और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस समय हम क्या फेस कर रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं बहुत ज्यादा दुनिया जो एक कंफ्यूजन स्टेज में है, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसके साथ हम बिहेव करें इस परिस्थिति के साथ, और बहुत ज्यादा तो लोग यही अपने मनों में सोचते हैं कि क्या ऐसे हो रहा है, कि ये बहुत चुनौती है उनके सामने, और जिससे कि बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कि परमात्मा की जो श्रद्धा है, परमात्मा के लिए श्रद्धा जो है, उसकी महानता, उसकी अलग अलग नेशनलिटी में जब लोगों का जो व्यवहार है वो इतना अलग अलग है, तो हमें इस पर देखने की जरूरत है कि लोग कितने ज्यादा इस समय कंफ्यूज हैं, और क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें सोचना चाहिए, जिसमें जो कि हम पवित्र है, जैसे कि हमारे मन में उनके लिए पवित्रता हो, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हमें एक ऐसा तरीका सोचना होगा जिसमें कि हम मन से, भावनाओं से, साइकोलॉजी से, जो भी हम जिसको भी हम पवित्र मानते हैं उनको अपने मन में ऐसे रखें कि जो कभी भी ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, खतरनाक से खतरनाक चीजें, हम उसके अगेंस्ट नहीं हो, जो हमारे मन में पवित्रता की भावना है उसके हम अगेंस्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए परमात्मा है। हम कहते हैं कि हमारा विश्वास है कि परमात्मा सब चीज को हार्मनी और शांति में रखेंगे, लेकिन क्या है, वहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो लोग यही समझते हैं कि ये परमात्मा की गलती है, तो हमें परमात्मा के अगेंस्ट जाना चाहिए, तो ऐसे लोग सोचना शुरू कर देते हैं। मैं इसे कहूंगी कि ये गलत है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो थोड़े लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, जो परिस्थितियां जैसी आती हैं, लेकिन जब परिस्थितियां अलग अलग तरीके में जा रही हैं, तो लॉजिक भी अलग अलग लोगों का वो काम नहीं करता है लॉजिक। तो इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या लॉजिक है जो मेरे साथ हैं, या हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी श्रद्धा को और अपनी पवित्रता परमात्मा के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं, जो वो परमात्मा हमें कहते हैं, जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो अभ्यास कर रहे हैं राजयोगा, तो राजयोगा जो है वो आध्यात्मिकता का अभ्यास है, जो राजयोगी की जो अटेंशन है, ध्यान है, उसका लक्ष्य होता है कि वो एक भगवान की जैसे बनते हैं, जो हमारे गुणों में, हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है, पता लगता है, तो किस तरह से हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, किस तरह से हम उसमें चलते हैं, कि हमारे पास जितनी क्षमता और जो हमारी सूचना है उसके आधार से जो हम अनुभव करते हैं, वो क्योंकि हमें हमारा बहुत परमात्मा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत इसके बारे में स्टडी किया है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो अलग अलग तरह के लॉजिक और उनके अलग अलग तरह के बिलीव हैं, विश्वास हैं,
और जो उनको खुद भी डाउट में ले जाते हैं परमात्मा के बारे में, या परमात्मा है भी या नहीं इसके बारे में भी वो डाउट करते, क्योंकि वो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर परमात्मा होता तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ये फॉल्टी लॉजिक है। तो हम क्या सीखते हैं राजयोग में, वो ये इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा की जो परमात्मा का होना बहुत ही जरूरी है, उस समय है परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा है, जबकि हमें इस मानवता को परमात्मा की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, एक तरह का बहुत ही हलचल दुनिया में मची हुई है, त्राही है, हम चाहे डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली देखें, ये परमात्मा के वजह से नहीं है, ये इसके कारण और भी हैं। तो इसलिए ये हम अपने सोच में ऐसा नहीं ला सकते कि ये परमात्मा कारण है कि जिससे कि हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति कम हो जाए। तो ये बातें क्यों हो रही हैं? दो बातें हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कर्मों की गति देखते हैं, जो हमें काफी हद तक इस बात का जवाब मिलता है कि जब नेगेटिव कर्म होते हैं, तो जब हमारे कर्म नेगेटिव होते हैं तो फिर बहुत उसका बुरा परिणाम होता है। लेकिन लोग कहते हैं बट ये इतना ज्यादा एक्सट्रीमर है, इतनी ज्यादा है कि इसमें हम कर्मों की हिसाब किताब को भी नहीं लगा सकते। ये खाली कर्मों का ही प्रश्न नहीं है। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि हम जो है वो बीच में हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये आप सुन सकते हैं कि फोन के ऊपर हम सुनते हैं कि बॉम्ब जो है वो फट रहे हैं आसपास, वो कैसे सेव हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे हम अपने आइडियाज को प्रोसेस करें कि परमात्मा को हम कैसे माने और कैसे हम उनको कहें कि वो है कि जो हमारे चारों तरफ चल रहा है। हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा घबराहट है। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें क्या करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हमें भाग्य को लेकर आना होगा। तो भाग्य क्या है? ये जो है वो भाग्य जो है वो बहुत ही तरह का डिफिकल्ट चीज है, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। राजयोगा में हम सीखते हैं कि हमें बताता है कि प्रीडेस्टिन यानी कि पहले से ही निश्चित है क्या होने वाला है। ये किसी की गलती नहीं है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया जाता ना, ये बिल्कुल ही ये परमात्मा की इच्छा है। कि परमात्मा की क्या ये इच्छा है? क्योंकि बहुत सारे धार्मिक विश्वास है कि जो कुछ होता है वो परमात्मा की इच्छा होती है। क्या ये परमात्मा की इच्छा है? क्या हम परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम परमात्मा से वही श्रद्धा रख सकते हैं? कि ऐसा होता है जब लोग यदि इफ और देन करते हैं, इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, तो जब हम इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि क्या परिभाषा है कि परमात्मा का एक्चुअली कार्य क्या है और परमात्मा की इच्छा क्या है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके लिए इतनी श्रद्धा रखें और लोग वो लोग जो हैं वो इतनी इतनी ऐसी परिस्थितियों में इतने सारे लोग मारे जा रहे हो, उसके प्रति हम कैसे श्रद्धा भाव रख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और लॉजिकल नहीं है। तो हमें ये कहना है, हम देखते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा नहीं है। तो परमात्मा की इच्छा क्या है? तो एक बहुत ही वंडरफुल बात
कि हमें क्यों परमात्मा के ऊपर इतनी श्रद्धा रखनी है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है कि उसके बच्चे और सभी आत्माएं जो उनके बच्चे हैं, कि उनके बच्चे इतने ज्यादा शक्तिशाली और क्षमता वाले बन जाएं, समर्थ बन जाएं, कि इस प्रॉब्लम से, इतने सारी जो परिस्थिति चल रही है, गंभीर परिस्थितियों से निकल सकें और दूसरी तरफ पहुंच जाएं, आध्यात्मिकता की तरफ से देखा जाए और इमोशनली देखा जाए तो शारीरिक तौर पे नहीं, तो हमारा बहुत ही अलग लॉजिक है। तो ये लॉजिक जो है वो हमारा लॉजिक परमात्मा की श्रद्धा के खिलाफ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये परमात्मा की इच्छा है। जब परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, जहाँ पर बहुत आध्यात्मिक प्यार है, जब लोग ऐसी परिस्थिति में मारे जाते हैं, एक चीज वो करते हैं, वो अपना जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ लगाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, कि परमात्मा ही हमारा रक्षक है, क्योंकि उसको याद किया जाता है मृत्यु के समय। जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो परमात्मा की याद में छोड़ते हैं। जब हम देखते हैं लोगों को ऐसे जीवन कि जो इतनी बुरी परिस्थितियों में देख रहे हैं, और परमात्मा से हम जब जुड़े हुए होते हैं और उनके लिए शांति लेकर आते हैं, तो उनको भी इस तरह की प्रेरणा मिलती है परमात्मा को याद करने की। तो जो आत्मा है वो परमात्मा के करीब आ जाती है और उसकी उसकी रक्षा होती है, क्योंकि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो परमात्मा ने हमें दिया है, वो हमें ये समझने के लिए दिया है कि शरीर और आत्मा के डिफरेंस को हम समझ लें। जब लोग इसका डिफरेंस नहीं समझते, कि वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, वो मर रहे हैं और वो कहते हैं इन्हें मरना चाहिए क्योंकि ये हमें मार रहे हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा कहते हैं ये सच्चाई नहीं है, ये तो खाली एक दिख रहा है हमें, क्योंकि आत्मा तो उसको तो हम मार नहीं सकते, आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। आप शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आत्मा जो है वो फिर से दोबारा जन्म लेती है, तो ये समझना जरूरी है। तो ये जो हम नेगेटिव बातों का लड़ाई में हम नेगेटिव एक्सचेंज हो रहा है, जब लोग आध्यात्मिक तौर पर अंधे हैं, आध्यात्मिकता को नहीं समझते, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हम परमात्मा के ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं परमात्मा के बारे में दूसरे लोगों से, तो इससे हम क्या होता है कि हमारी तरफ देखकर वो भी अपना निश्चय और प्यार परमात्मा की तरफ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो प्यार है, परमात्मा की बुद्धि है, परमात्मा का ज्ञान है, हमें ये सिखाता है और कि हम दूसरों को भी इस मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता बताते हैं। हम खाली वॉर्स, लड़ाइयां ही नहीं चल रही हैं, हम और बहुत सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं भी देख रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये जो मौसम, ये जो बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, लोग बहुत ज्यादा इस चीज की चिंता में हैं कि लोग ज्यादा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है उनके अंदर, जो किस तरह से हम प्रकृति को के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि नेचर के लिए भी हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि लोग ये क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट की वजह से ऐसा हो रहा है और जो इंसान है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रकृति को हमने उतना मान नहीं दिया है, प्रकृति के लिए हमारे मन में उतनी श्रद्धा नहीं है।
अगर हमारे मन में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव हो तो हम उसको उसका मिस यूज नहीं करेंगे, उसको उसका हम खराब नहीं करेंगे, उसको उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये रिस्पेक्ट होती है प्रकृति के लिए। अगर हम नेचर का प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो परमात्मा हमारा ध्यान रखे, नेचर हमारा ध्यान रखेगी। अगर हम एक दूसरे के लिए प्यार होगा तो हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। अगर हम अपना ध्यान रखें तो एक दूसरे का ध्यान रखें तो परमात्मा हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम परमात्मा से प्यार करें तो ये कुछ ऐसे नियम हैं शक्तिशाली, क्योंकि ये एक तरह की हम मटेरियल की तरह देखते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि सच्चा कारण क्या है। तो लोगों ने अपनी श्रद्धा जो है वो खत्म कर दी है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति और परमात्मा के प्रति। तो धरती भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तनाव में हैं, प्रकृति बहुत तनाव में है। तो हमारा ध्यान जो है वो उस तरफ जाता है। तो कैसे परमात्मा और प्रकृति की हम श्रद्धा उनमें रख सकते हैं? तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं, मेरा शरीर अच्छा है, हम अच्छी जगह पर रह रहे हैं, पैसे हैं, धन है, अच्छे दोस्त हैं, जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए होता है अच्छे जीवन के लिए। और मैं अपनी श्रद्धा परमात्मा और प्रकृति के प्रति बनाए रखती हूँ और मानवता के प्रति। तो ये एक नियम है जिस नियम पर मैं चलती हूँ। तो कभी कभी हम ये सुनने में आता है, लीडरशिप के बारे में सुनते हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब कि आप कुछ करते हैं और सब आप उसको फॉलो करते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में कहा जाता है कि ध्यान रखें कि जो भी आप करेंगे वो सब आपको देख रहे हैं और वो भी वैसा ही करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, ये नियम है। अगर हम सभी को देखते हैं कि लोगों में श्रद्धा नहीं है परमात्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति, तो ये बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है। हम ये कहेंगे कि एक दूसरे से कहते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तो ये रियल एस्टेट नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसी बातें हैं, लेकिन हम विजिबल हैं, टेंजिबल हैं, दिखाई देते हैं। अगर हम अपना परमात्मा के लिए श्रद्धा और प्रेम बनाए रखते हैं और परमात्मा का मूल्य रखते हैं, तो हम परमात्मा कितना हमें मदद करते हैं, मानवता की मदद करते हैं हमारे लिए और सबके लिए। और आप उसको देखते हैं, उसके लिए आप बात नहीं करते मैं भी, लेकिन आपके उसमें कर्मों में नजर आता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जो हम, जिसमें पॉसिबिलिटी है लोगों को हम परमात्मा के लिए उनमें श्रद्धा हो सकती है इस वजह से, जब वो हमें देखते हैं, और प्रकृति के लिए भी उनमें श्रद्धा हो सकती है जो कि बहुत लंबे समय पर। तो ये हम प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो हम क्यों जी रहे हैं? हम किसी लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, कुछ ऊंचा लक्ष्य है जीवन का जो हमें लक्ष्य देता है। वो एक बुद्धिमता है जो हम अनुभव करते हैं और जो परमात्मा से हम सीखते हैं, या उन लोगों से जो कि परमात्मा से जुड़े हुए हैं और जो आध्यात्मिक लीडर हैं उनसे हम सीखते हैं, जिनसे कि ये क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो लोग हमें प्रेरणा देते हैं और हम दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं।
अपने तरीके से, तो ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है, पावरफुल एनर्जी है। हमेशा इतनी टेंजिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो टेंजिबल होती जाती है। जब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वो एक लाइट को ढूंढते हैं और एक लाइट हाउस को ढूंढते हैं। जैसे कि अगर समुद्र में कोई तूफान आ जाता है तो वो एक लाइट हाउस को देखते हैं और ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। तो हमें कहा जाता है हमारी स्टडी में कि हमें लाइट हाउस बनना चाहिए। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है लाइट हाउस का, और इसकी सिंबॉलिक वैल्यू लाइट हाउस की क्या है, जो रास्ता दिखाता है। परमात्मा का जो फॉर्म है, रूप है, वो लाइट है, वो रोशनी है, प्रकाश है। लाइट हाउस से हमें डायरेक्शन मिलते हैं। जैसे तो जब हम इस पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं, इस गुण की, हम याद रखते हैं अपने मन में कि हम किसके प्रति हमारी श्रद्धा है, किसको हम ऊंचा मानते हैं, उससे जुड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से टाइट होकर जुड़ जाते हैं। फिर हम इधर उधर, हमारे ऊपर उछाल नहीं आएगा, हमारे दुनिया का इतना वो नहीं आएगा, और हमारा जो एंकर है, जो लंगर होता है, वो भी रिजर्व रहेगा, क्योंकि हम इधर उधर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एंकर है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो दूसरे उनका वो तुम्हारे द्वारा अपना एंकर जोड़ लेते हैं, तुम्हें देखते हैं और वो महसूस करते हैं कि वो सुरक्षा को महसूस करते हैं। ये जो अनुभव है, जो आप उसके लिए श्रद्धा रखते हैं, तो वो जो श्रद्धा है वो वास्तविक बन जाती है। तो उन्हें पता लगता है कि इसीलिए हमें जो है श्रद्धा की आवश्यकता है। ये एक एनर्जी है, श्रद्धा भाव, जो हम जो हमें, अगर हम बिल्कुल ये विश्वास रखते हैं, महसूस करते हैं, और कि परमात्मा जो है हमें इस परिस्थिति के पार ले जाएगा, और ये सारी डिस्टरबेंस के बावजूद भी, तो ये जो हमारा विश्वास है, जो हमारा निश्चय है, हम उसमें श्रद्धा भाव महसूस करते हैं और हमें हमें सुरक्षित महसूस होता है, और आपका चेहरा जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब हम, और हम पार कर जाते हैं। तो निश्चय बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है श्रद्धा के अंदर, जो कि निश्चय आता है इसके लिए। अब श्रद्धा की तरफ देखते हैं कि इस तरीके से देखते हैं कि जैसे श्रद्धा का मतलब, जैसे हमें एक दूसरे के प्रति होती है, जिनको हम जानते हैं या जिन्हें हम समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं और महान हैं, कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ग्रेट योगी आत्माएं हैं, मैं उनके लिए प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ये मेरे जो व्यक्ति हैं, मेरे लिए मॉडल हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है, मैंने उनके साथ जिया है। इसको हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं, दादीज कहते हैं। दादी का मतलब कि बड़े, और जो बहुत ही ग्रेट योगी रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन ज्ञान का अध्ययन किया है और अपने जीवन ये सिखाया है, दिखाया है अपने जीवन से ये जीते हुए खुद की कैसे परिस्थितियों में अपना जीना है, और उन्होंने बताया है कि लीडरशिप क्या होती है, और ध्यान रखना क्या होता है, एक दूसरे की केयर करना क्या होता है,
जिनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत रियल हैं, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, किस तरह से वो संबंध संपर्क में व्यवहार में आए, और जो लोग उनकी जो इंटेग्रिटी थी वो इन पूरी की पूरी वैसी ही रही। हम जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे को बहुत जज करते हैं और हमारे बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमें पता लगता है कि कोई ईमानदार नहीं है या कोई क्रूयल है और किसी का कोई फायदा उठा रहा है, धोखा दे रहा है, कुछ भी ऐसा हम जब देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट, उसके लिए सम्मान कम हो जाता है। बाहर से तो हम बहुत पोलाइट रहते हैं, लेकिन अंदर से हमारे मन में उनके लिए जो इज्जत है वो कम हो जाती है। मैं तुम्हें एक्सटर्नल रिस्पेक्ट दिखाऊंगी लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमने धोखा दिया है मेरे मेरे जो मैं मेरे देखने को, मेरे समझने को तुमने धोखा दिया है। कोई जैसे लीडरशिप पोजीशन में होता है, कोई लीडर होता है जो वो सब लोग समझते हैं कि ये तो एग्जाम्पल होना चाहिए कि इंसान कैसे होने चाहिए, तो फिर क्या होता है, हमारा वो विश्वास टूटता है, तो हम उसके लिए इज्जत भी खो देते हैं। काफी हम लोगों में ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसे लेवल पर रहते हैं, हम उन स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। जब हम ये ग्रेटनेस देखते हैं, उनकी जब महानता को किसी की हम देखते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो बहुत ऊंचे होते हैं हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। बहुत सारे हमारे में से लोग हैं जो ऐसे लोगों से शायद मिले भी नहीं हैं। अगर आप मिले हैं कि आपके मन जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति है, उन्होंने आपके लिए ये साबित किया है कि जीवन को कि ऐसा व्यक्ति जो इंटेग्रिटी के साथ जीता है सुबह शुरू से लेकर अंत तक, और अलग अलग चुनौतियों को, अलग अलग विघ्नों को वो पार करता है, किसी भी एग्जाम में, पेपर में, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अपने नियमों पर चलते हुए, अपने गुणों को, अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वो चलते हैं, वो उनको नहीं खोते हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जिससे कि हमारा मानवता पर भी विश्वास बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया हो या उतना उसका वो नहीं हो जो कि जो वो कहते हो उतने ज्यादा स्टैंडर्ड पर नहीं हो, तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने नियमों पर चलते हैं और अपने गुणों को बनाए के रखते हैं, लेकिन हम सबसे ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो सब ऊंचे लेवल पर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ऊंची अचीवमेंट है, प्राप्ति है। तो लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा होती है। और एक और रोचक बात है जिसके बारे में मैं ज्यादातर सोचती हूँ कि जो शास्त्र वेदों में जो कहानियां वगैरह लिखी हुई हैं, जो हम इंडिया में वहां पर एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी कहानियां लोगों की महानता की लिखी हुई हैं, जहाँ पर देवी देवताओं की बातें हैं, बहुत सारे कल्चर्स में देवी देवताओं की बात है जिसमें वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जिनको देवी देवता कहते हैं, कई कहानियों में दिखाते हैं देवी देवता बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन कुछ देवी देवताओं को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, और कई जो देवी देवताओं को बहुत बहुत ऊंचा स्थान भी दिया गया है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत लिमिटेड है, जैसे लक्ष्मी और नारायण है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण की कोई भी ऐसी नेगेटिव बात या कोई भी
कम बात नहीं दिखाते हैं, जैसे हम हमारी ग्रेट योनी है दादी जान की, ऐसी कृष्णा का जैसे कहा गया है, कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं जिसमें कि उनकी ग्लानि हुई है कृष्ण और राम जी के बारे में, सीता के बारे में, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। ये ऐसे हैं लक्ष्मी और नारायण जिनकी पूजा की जाती है, उनकी 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 मूर्तियों की पूजा की जाती है, उनकी फोटो की पूजा की जाती है, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, पूरे संपूर्ण हैं। किस तरह की अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो ऐसे इंसानों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भी अवगुण नहीं है। तो जो मानवता है वो सोचती है और चाहती है कि ऐसे से ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि बिल्कुल ही जिसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो। तो ये जो इच्छा है बहुत ही ऊंचा गोल है, ये एम है, क्योंकि सभी के अंदर कोई ना कोई अवगुण तो होते ही हैं। लेकिन हमारे अंदर अवगुण है और हमें पता है और हम चाहते हैं कि हम अवगुण हमारे छूट जाएं, तो हमारा ये आप कई लोग अपने जीवन पर बहुत ज्यादा इस तरह का फोकस करते हैं और उनको अपने आप को अवगुण बनाने, अपने आप को गुणों से दूर कर अवगुणों से दूर करना चाहते हैं। जब भी वो अपने कैरेक्टर में देखते हैं, अपने आप में कोई गुण अवगुण देखते हैं, तो अपने साथ में उससे बातचीत करके अपने अंदर के गुण अवगुण को समाप्त करते हैं और अपने जीवन को उस अवगुण के बगैर, और उसके लिए बहुत ही पर्सनल साहस चाहिए और पर्सनल ईमानदारी चाहिए और अपने अपने अवगुणों को मानना और उसको साफ करना। तो ये जो है तभी हमारे अवगुण जो है वो खत्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पूरा संपूर्ण नहीं भी बन पाता है, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा यही रहता है, वो व्यक्ति जो है उसके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा होती है, क्योंकि वो सिंसियर हैं कि उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो अपने जीवन में जी रहे हैं। वो अपने जीवन को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो अपने जीवन का उनका बहुत ऊंचा लक्ष्य है। अगर वो फेल भी हो जाते हैं अपनी ईमानदारी की वजह से या अपनी गहरी इच्छा के लिए, उस बिना अवगुणों वाली जहाँ पर उनको उनकी भी लिए भी हमारे मन में श्रद्धा होती है जो ऐसा जीवन जीते हैं, तो ये लोग हैं। और उसके बाद जो श्रद्धा भाव हमारे मन में आता है, फिर से हम नेचर प्रकृति के बारे में देखते हैं फिर से कि जब लोग देखते हैं कि जो हम प्रकृति का बहुत गहरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो हमारे अंदर ये भावना जगाता है, श्रद्धा भाव जगाता है। मेरे अंदर प्रकृति के प्रति बहुत प्यार है। मैं जब भी समय होता है तो मैं जाकर प्रकृति पहाड़ों पर, वोल्केनोस के पास में, नदी के पास, सागर के पास में जाती हूँ और जाकर बैठती हूँ। और ये जो महान कार्य है प्रकृति का, वो मैं देखती हूँ जो कि मनुष्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। तो एक तरह की ये श्रद्धा है प्रकृति के प्रति हमारे मन में। अभी थोड़ा समय पहले ही मैं वोल्केनोस के पास गई थी, जिसमें से लावा निकल रहा था, वो खतरनाक नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर पाई कि पॉसिबिलिटी है कि वो लावा निकल आए और शायद जीवन के ऊपर भी खतरा आ सकता है।
तो ये जो श्रद्धा हमारी मानवता जो है महसूस कर सकती है, जब ऐसी चीजों को हम देखते हैं कि आत्मा की, ये प्रकृति की कितनी शक्ति है, जब हम प्रकृति से अपनी शक्ति की को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें बहुत नम्रता आती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो प्रकृति जीत बन सकते हैं। साइंस ने हमें काफी, साइंस के कारण हम काफी ऐसा कर भी पाए हैं, लेकिन जब हम बहुत, जब कोई बड़ी सुनामी आती है या कोई वॉल्केनो फटता है या कोई अर्थक्वेक आता है बहुत बड़ा, उस समय हम अपने आप को बहुत शक्ति विहीन महसूस करते हैं। तो हमें प्रकृति की शक्ति का, हमें उसका सम्मान करना है, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना है कि जो धरती है वो माता है, धरती माता हमारा ध्यान रखती है, हमारी पालना करती है, हमें सब कुछ देती है, खाना, कपड़ा, रहने की जगह, पानी, सब कुछ हमें इस धरती से मिलता है। तो लोग जो, जब हम इनकी इनकी सम्मान नहीं करते, इसका ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समय आता है जब धरती जो है वो अपना दिखाती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो वो हमें अपनी जगह दिखा देती है, इसलिए हमें जो प्रकृति से जो हमें तोहफे मिले हुए हैं, उसके लिए हमारा मन में जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए, हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। तो हमारी पूरी पूरी जो रेस है, पूरी पूरी जो हमारी मानवता है, वो खत्म हो सकती है इस प्रकृति की वजह से। तो हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान होना चाहिए। जब हम अपने कर्म की तरफ देखते हैं, पर जब हम नेचर के प्रति हम श्रद्धा भाव और प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं। जब हम उसको हम किसी चीज को खराब नहीं करते, प्रकृति को उसको नष्ट नहीं करते, उसको मिसयूज नहीं करते, तो वो भी हमारे को, तो उसका हमें पे करना पड़ता है बाद में। तो जो शक्ति को हम तभी पहचानते हैं, उसकी सुंदरता को भी हम तभी समझ सकते हैं, जब हम धरती, आकाश, सूरज सबसे दूर चले जाते हैं, कुछ समय निकाल कर, कि हम देखें कि ये कितना सुंदर और कितना अच्छा है, और स्वयं को देखें इस तरह से, तो हमारे मन से जो कोई भी अहंकार है वो निकल जाएगा। तो हम कैसे इसको, रेवरेंस को वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शक्ति है जो हमें, तो मानवता के लिए फॉल्स प्राइड भी बहुत खतरनाक है, जो हमें ये समझने नहीं देती, कुछ समझना, जिसमें कि हम ये नहीं समझते कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। एक ऐसी शक्ति है जिससे हम ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, हम सेल्फिश नहीं हो सकते और किसी के प्रति अब्यूसिव नहीं हो सकते, जो चीजें हम एक मानव होते हुए हमें अवॉइड करनी चाहिए। बहुत यूजफुल और वैल्यूएबल ये कैरेक्टर है, ये जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी रुकती हूँ, स्टॉप करती हूँ, और मैं डॉक्टर मनोज को देती हूँ। ओम शांति, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, इतना सुंदर आपने इसको
सुनाया और इसके अंदर कितनी डिटेल है। तो श्रद्धा पहले परमपिता परमात्मा की तरफ, फिर प्रकृति के प्रति। बहुत सुंदर आपने उसको एक्सप्लेन किया। जो मेरे प्रश्न थे वो आपने सारे कवर कर दिए। श्रद्धा वो लोगों के लिए और चीजों के लिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, क्या हमें चीजों के प्रति भी रेवरेंस होना चाहिए? और क्योंकि जो रेवरेंस है वो क्या उसके स्टेटस और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए, तो ये भी एक प्रश्न है। स्टेटस और एजुकेशन से कोई फर्क पड़ता है कि हमें उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए या उसके अंदर महानता है? हम ये नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई एजुकेशन नहीं होती और उनका कोई स्टेटस नहीं होता, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसे गुण होते हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं, ऐसे मूल्य होते हैं जो उनको महान व्यक्ति बनाते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा भाव हमारे मन में हो सकता है। पैसा या शक्ति, और जो लोग उन चीजों की इच्छा रखते हैं क्योंकि लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन अंत में क्या है, ये अंत में सेम नहीं होता। जो व्यक्ति बिल्कुल अपनी अपनी आध्यात्मिकता पर चल रहा है और उसके सामने ये नहीं होता, तो जैसे श्रद्धा भाव श्रद्धा भाव जो श्रद्धा भाव मर्सी के लिंक, थोड़ा प्रश्न समझ में नहीं आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जीवन में, अलग अलग लोग अलग अलग लोगों के जो हैं वो बिलीव हैं, उनके विश्वास हैं, तो मैं ऐसी कोई पोजीशन नहीं लूंगी। ये वो बात है जिसमें तुमको स्वयं देखने की आवश्यकता है। जैसे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट के रिलेटिव से, मित्र संबंधियों से बात करता है। जब जो जो व्यक्ति, यदि बीमार व्यक्ति कोमा में है, वो हो सकता है कि वो बच नहीं सकते हों अपनी परिस्थिति से, तो ऐसा क्या होता। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी बहुत ही एक जीवन लेने वाली उनकी बीमारी थी, वो एमएस था उनको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको कहते हैं। वो हॉस्पिटल में थी, वो खसली अपनी आंखें घुमा सकती थी और शरीर रुक गया था, तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं हम उसको पूरा लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं और वो थोड़े महीने शायद जी जाए, हम उसको पार्शियल लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं और उससे वो 2 हफ्ते जी सकती हैं, हम उसको कुछ भी सपोर्ट ना दें और वो 1 हफ्ते तक जी सकती हैं। तो हमसे ऐसा कहा गया। हम चाहते थे कि नहीं उनको कोई ट्यूब्स वगैरह ना लगें। हमने कहा कुछ भी मत करो, हम जस्ट यहाँ पर हैं, बस हम यहाँ पर ही होंगे जब तक कि वो यहाँ पर हैं। और मैं वही महसूस करती हूँ कि बिल्कुल सही था वो, बिल्कुल सही चॉइस थी। लोग कहें कि पर्सन को जीना रखना चाहिए, उसको लाइफ सपोर्ट पर रखनी चाहिए, फिर उसमें जीवन का क्वालिटी क्या हो गई उस व्यक्ति के लिए। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की सोच हो सकती है, लेकिन या एक दो प्रैक्टिकल प्रश्न हैं जो नए ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट हैं। आपने जो लक्ष्मी नारायण के बारे में बात कही, प्रश्न किया, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने रिसेंटली मैंने राजयोगा मेडिटेशन शुरू किया है। क्योंकि हमें यहाँ पर लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया जाता है कि कोई क्रिश्चियन डेटी को हम क्यों नहीं फ्रंट में रख सकते हैं। ये ज्यादा रेलिवेंट है क्रिश्चियन होते हुए। आपके 2 फिगर्स हैं, जैसे
जो बहुत हाई क्वालिटी के इंडिविजुअल हैं क्राइस्ट और जो मदर मैरी, दो चीजें होती आप लोग करते हैं, लेकिन और भी सेंट्स हैं, लेकिन ये दो दोनों हैं जो इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो लक्ष्मी और नारायण की जो क्वालिटीज हैं वो तो आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन होते हुए कि वो क्राइस्ट को फॉलो करना होता है जो उन्होंने किया. बहुत चीजें जो बहुत सारी चीजें बाइबल के बारे में हैं जिन्होंने उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों को संभाला, किस तरह के वो थे और किस तरह वो गॉड के परमात्मा के करीब थे. तो हमारे पास वो है, लेकिन अगर आप उसको और ज्यादा राज्योग सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरह के लोग रहे हैं हेवन में और क्रिश्चियनिटी और उसमें बताया गया है स्वर्ग के बारे में बहुत अच्छी तरह से, तो ये वहां था. एक समय आता है जब एडम और ईव को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था. जब आप केनोग्राफी देखते हैं या क्रिश्चनोग्राफी देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो हेवन है वो उसमें सोने के महल थे, सोने की सड़कें, बहुत ही ज्यादा फरिश्ता थे, बहुत क्रिश्चियन जो उनकी डिस्क्रिप्शन है. और जो सतयुग की जगह है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो हमें अपने ये हमारा जो ब्रिज है क्रिश्चियन बैकग्राउंड का और बहुत ही ज्यादा जो ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है कि वो दुनिया लक्ष्मी नारायण की क्या है, तो वो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं. एक और प्रश्न है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जो COP28 उन्होंने कहा, तो कह रहे हैं कि हम जो मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि एक सॉलिड सॉल्यूशन तो है नहीं जिसे हम क्लाइमेट चेंज के साथ में कुछ कर सकते हैं. कुछ ऐसी साधना है जो हम आध्यात्मिक तौर पर कर सकते हैं, तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको आध्यात्मिकता के आधार पर खत्म किया जाता है, कम किया जाता है. तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्लाइमेट चेंज को चेंज कर सकते हैं, कि यदि हम ये कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि ये लोगों की वजह से ही जगाया हुआ ये है क्लाइमेट चेंज जो है, तो जो हम याजोग में सीखते हैं, जो हमारे व्यवहार से हमारे व्यवहार का ही प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिस तरह से हम उसको फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक है, वो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से नहीं है हमारी एक्टिविटीज के कारण. क्लाइमेट चेंज तो होना ही है, ये समय अनुसार होता ही आया है. जब हम मनुष्य की हिस्ट्री में देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो ये खाली ह्यूमन इंड्यूस्ड ही नहीं है. जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हम और अपने अपने तौर पर और अलग होकर, या इसको हम रोक सकते हैं? हम इसको रोक नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो धरती है वो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो कि अंदर ही है, क्योंकि बहुत इम्बैलेंस है, संतुलन नहीं है. जो अर्थ का टेढ़ा होना है ये 23 डिग्री से ज्यादा है. वो 23 डिग्री तो सहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं किया जा सकता. तो जो मैग्नेटिक पोल है वो शिफ्ट हो रहा है, ये तो वो अपने हिसाब से ही मूव हो रहा है.
तो धरती की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, उसको स्टेबलाइज रखने के लिए वो मानवता से नहीं है जुड़ी हुई, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसे नहीं रोक सकते। जो चीजें तो सूरज में जैसे चल रही हैं, वो बाहर की रेंज जो है वो इंसानों की रेंज से अलग है। Sort of wobblings in the orbits of planets or other जो celestial प्लैनेट्स को देखते हैं हम या but random they are affecting things degeneration of the quality of matter which is तो जेनरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मैटर जो हम देखते हैं, जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक अभ्यास में इसके बारे में जानते हैं कि वो वाले जनरेट किए जाएं। You know, some people can say, well, it's because of human mentality, but you can't prove it. तो ये जो है human mentality की वजह से है, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। The quality of the soul is degenerated, the quality of matter has degenerated, and it causes a situation where जिसकी वजह से परिस्थिति होती है, ये जो है हमारे को बहुत सारे इंडिकेशन मिल चुके हैं पैलियंटोलॉजिकल, इसमें लिखा हुआ है किताबों में कि ये कुछ ना कुछ बदलाव आना ही है और ये धरती को अपने आप इसको देख सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते और इसको आप भगा नहीं सकते, इसको हमें फेस करना है, हमें इसे नेविगेट करना है और बाहर निकलना है। Spiritual study and practice. Yeah, this is now speaking of reverence for the holy scriptures. There's a तो ये जो श्रद्धा भाव है पुराने शास्त्र और other students following that, they don't have reverence for holy scriptures. So do you want to explain that? क्या आप इसको explain कर सकते हैं जो श्रद्धा भाव है शास्त्रों के साथ हमारा, तो जो ये शास्त्र हैं ये किसने लिखे और कब लिखे और क्यों लिखे? प्राचीन समय में तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो ओरल ट्रेडिशन थी, लोग बात करते थे लेकिन उसको लिखा नहीं गया था। तो जब समय आया जब ये लिखे गए वो समय था 1000 साल पहले। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम जाकर के स्क्रिप्चर लिखते हैं, हमारी जो स्टडी रही है और लोगों ने बात की, लोगों ने सुना बहुत बहुत समय पहले, और उस समय उन्होंने शास्त्र नहीं लिखे, लेकिन शास्त्र बहुत बार लिखे गए, बाद में लिखे गए परमात्मा के बातचीत के बाद। जो हम पवित्र शास्त्र देखते हैं उसकी डिटेल में देखते हैं और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बहुत आपस में ही कितने बहुत सारे लोग जो हैं वो तो बहुत ऑल्टर किया गया और उसको चेंज किया गया है। तो जो जिनको श्रद्धा भाव था अनकंडीशनल शास्त्रों की वजह से, शास्त्रों के बारे में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये परमात्मा से सीधे आए हैं, अगर वो ऐसे आए होते तो फिर सबके मन में उसके लिए श्रद्धा भाव होता, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि वो परमात्मा से ही डायरेक्ट आए हैं। ये सभी जो लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है, जिसके बारे में मैंने सुना है शास्त्र के बारे में,
जो मैंने सुना है कि उसमें जब महावीर जैन थे उन्होंने शरीर छोड़ा और जो लोग थे वो उनके उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया. तो ऐसा समय आया कि अब हम क्या करें. तो वो भूल गए. तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हम भूल जाएंगे कि ये क्या हुआ था. तो फिर उन्होंने क्या किया, हमें कुछ भी लिखना नहीं चाहिए. तो इस तरह से दो लोगों में अलग अलग तरह के सोचना हो गया. That happens in religions as they move from being the beginning into traditions, you see. And I'm much more familiar with probably Christianity. मैं बहुत ज़्यादा Christianity से हूँ, ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं Christian family में मैं बड़ी हूँ. तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइबल के अंदर बहुत अलग अलग तरह से बताया हुआ है कि जो क्रिश्चियन होते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है 8000 साल पहले क्राइस्ट के जाने के बाद. तो ये क्रिश्चियन ग्रुप ने करा और जो उसके साथ एग्री नहीं करते थे तो क्रिश्चियनिटी जो थी वो दो भागों में बट गई. थैंक यू. जैसे जैसे समय निकलता गया और ज्यादा डिसएग्रीमेंट होते गए. तो ये पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन he's infallible and other Catholics who say well he's just a man like the rest of us so he वो कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा जीसस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहे और कुछ. जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता गया तो जब ब्रह्मा कुमारीज में हम वो हम ये क्या कर रहे हैं कि वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता वास्तविक में क्या है. और बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं जो हमें हमें निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के बारे में ब्रह्मा बाबा के बारे द्वारा देते हैं तो ये कैसे करेक्ट है. तो ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं जो हमें समझाती है कि वो सही है क्योंकि वो करेक्ट है. अगर वो करेक्ट नहीं होती तो हम क्यों उसके बारे में पढ़ाई कर रहे होते. एक और चीज इसमें कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा को हमेशा याद करना है और परमात्मा जो परमात्मा है वो बहुत बहुत सूक्ष्म है, निराकार है. बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो परमात्मा को जो इतने ज्यादा सटल होंगे तो उसमें ही वो याद कर सकते हैं परमात्मा को. जो उनके अंदर बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन ज्यादातर जो रिलीजन है जिसमें कि जो विश्वास रखने वाले हैं दुनिया में इस समय मेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं धर्म को लेकर के बहुत अलग अलग उस बातें हैं. ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है कि परंपरा के नाम पर हम जो आप देखें कि जो रिलीजियस वार्स हुई हैं ये हाँ जी 2000 साल लोगों की जो परिस्थिति है वो उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई. वो वॉर पर लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा भुगतना हो रहा है. तो ब्रह्मा कुमारीज में हम कुछ ऐसी समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिगर आउट कर रहे हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है.
ओके, बहुत सुंदर. हमारा टाइम अप है, बहुत सारे प्रश्न हैं. मैं थोड़े से प्रश्न और लूंगा 5 मिनट में. तो अगला इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि वो कैसे कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह, कैसा रिश्ता है आपके परमात्मा के साथ, कि आप परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा को सम्मान देते हैं. ये एक बहुत प्राइवेट और पर्सनल रिश्ता है तुम्हारा. अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, So each to his own. Thank you. So each to you is own. Question is about a very practical one that nowadays the youngsters, even below 40 or above 40, the children, the younger generation, they don't. तो जो younger generation है, वो परमपिता परमात्मा के लिए श्रद्धा नहीं है. वो अपने seniors के लिए भी उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं है. ये generation gap की वजह से है. ऐसा क्यों है? बहुत सालों से ये बात चल रही है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन की जो यंग पॉपुलेशन है, वो अपने लिए आप देखेंगे कि कुछ यंग लोग हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा रेवरेंस है. There are many, many different reasons, but it's very difficult to generalize like that because I don't think. तो इस तरह से हमें बहुत जनरलाइज करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि ये सच है. और आपने कहा दो वॉर के बारे में आपने बात की जो दुनिया में चल रही है. तो व्यक्ति कह रहा है कि हम परमात्मा को दोष नहीं देते. तो जो भी होता है वो अच्छा होता है. कि लोग इतना ज्यादा दुख भोग रहे हैं. तो जब आपने कहा कि गुड और नॉट गुड के बारे में बात की, तो लोग you know, really zooming out and looking at the state of the world. So in the teachings that we study in Brahma Kumaris, it is said that we are passing through a time where... हम ऐसे समय से निकल रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस हैं, क्योंकि सब कुछ जैसे टूट रहा है, सिविलाइजेशन टूट रही है, जो धरती की स्थिरता है वो भी खत्म हो गई है, और ये जो लड़ाइयां चल रही हैं वो भी उसी का पार्ट है. ये जो नया दुनिया, जो विनाश चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसमें की बहुत सारी परेशानियां हैं. मैं एक बार विलेज में थी, वहाँ पर बहुत ही तो हम पुराना खत्म करके नया बना रहे थे. नया जो है वो something new is going to be built, which is for all of the immortal souls that we all are. And so if you look at it from that angle, then you will say it's okay. We wouldn't necessarily say it's good, but we'll say it's acceptable, it's inevitable, we understand, we have to navigate it. But if you look at it one by one, is human suffering good? That's not the way to look at it. Sure. So we'll just take this as the last question. तो हम ये लास्ट प्रश्न लेते हैं. तो जो ये लास्ट प्रश्न है, इसमें है कि परमात्मा बाबा जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है. हम उसे अपने अनुभव सर्व संबंधों का उनके साथ कैसे कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल प्रश्न है. अगर आप किसी के साथ, परमात्मा जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने ये किया है कि
तुम्हें परमात्मा से इंटरेक्ट करते हैं different people, your mother, your father, your sister, your brother, your teacher, your guru, your doctor, you know, you have these relationships with people because you benefit from that relationship and you sustain that. क्योंकि उस रिश्ते से तुम्हें फायदा होता है, तुम उस रिश्ते की पालना करते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम समझते हो रिश्ते को, तभी तो तुम निभाते हो, तुम अपने आप को जानते हो रिश्ते के हिसाब से. अगर आप इंडिया में देखें कि लोग जो हैं वो अपने आप को एक अलग व्यक्ति नहीं देखते, वो क्या देखते हैं कि मैं पिता हूँ या बेटा हूँ किसी का, या पर या मैं पेशेंट हूँ परम डॉक्टर का, या तो मैं आपको कल मदद करूंगी कि मुझे समझ पाए मैं प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यारा आइडेंटिटी आपको दे रही हूँ. I'm helping you to prepare yourself for death, so I'm your guru. Because of all the ways in which I interact, और सारी जो बातें हैं understand me in terms of relationship. संबंध के आधार पर ही समझी जा सकती हैं. अगर आप दूसरे कल्चर में जाते हैं जो अपने आप को समझ नहीं पाते संबंधों के हिसाब से, जो अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, तो bearing in mind where, और मन में ये रखना कि वो कहाँ पर हैं. जो एक टीचर के गुड साइन है, लेकिन तो ये जो है इसको आप अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं और इसको सूक्ष्म लेवल पर आ रहे हैं. जो मनुष्य है वो फिजिकल पर है, लेकिन जो गॉड है वो टोटली नॉन फिजिकल है. Between people who are really physically minded to something utterly spiritual, and that's a big chasm to cross. But he creates bridges, and we must understand that that's what these are. They're bridges. Fantastic. So we're already on the bridges, and thank you so much. हम और खुद ही हम पहुंच गए हैं अंत तक, और हम बहुत सारे प्रश्न जो आपने आंसर किए. मैं डॉक्टर अशोक मेहता से कहूंगा, सिस्टर क्लाउडिया से, कि वो आपका शुक्रिया अदा करें. ओम शांति दिनेश बहन, आपने बहुत एक्सीलेंट क्लास दिया है हमें, बहुत सुंदर ज्ञान तरीके से आपने बात किया, बहुत अमेजिंग है. तो जो श्रद्धा मैंने सीखी है बचपन में कि रिस्पेक्ट करो अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो. अगर मैं अपने पिता से लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ उनको कि परम पूज्य. इससे मदद मिलती है समर्पण के लिए. सभी हम अपने उन स्पिरिचुअल टीचर के लिए रिमार्क है. वो जो बेसिक प्रिंसिपल पर चलते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे हो, डबल अहिंसक हो और पवित्र हो. तो ये पांच प्रिंसिपल जो हम चलते हैं और उनको खत्म करते हैं. So Mother Teresa, and we used to call her Reverend Mother Teresa, because she used to look after the poor and. तो हमें ध्यान रखना होता है poor और जो जिनको छोड़ दिया गया है उन बच्चों को, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही गरीब हैं. तो जो श्रद्धा का जो शब्द है, वो society और culture जिसमें हम रह रहे हैं उस पर भी फर्क पड़ता है.
मैं एक स्कूल में गया था But they went to a class, somebody had legs up, somebody was drinking coffee, and here was a teacher who was teaching. The same experience I had. So, wo jo sikhaya tha unhone aisa hi mujhe ab anubhav hua hospital mein. Wahan par three residents the, doctor the. Ek Australia se the, ek America se the, aur jo hum teenon the, wo bahut hum qualified the. हम अपना काम कर रहे थे मुझे ये सिखाया गया था कि मुझे अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है वो जैसे ही राउंड पर आते थे सुबह पहले हफ्ते मैं रेजिडेंट बना था You need not go with me. No, I said, sir, I must come. उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो तो उन्होंने कहा मैंने कहा मैं आपसे सीखना चाहता हूँ हम सब उनके साथ गए हमने पेशेंट्स को देखा उनके साथ तो उन्होंने अंत में कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ स्पेसिफिक दिखाना होगा फिर वो हमें अलग अलग जगह पर पूरे कॉम्प्लेक्स में ले गए You give a ref, you know, be a reverend kind of feeling towards someone. He also respects you. I think you. So, वो भी हमारी respect करते हैं. And when I went back, so the two residents not bothered. Yeah, they're just there, sitting there. And so I think it's again a culture that's. तो ये जो है वो culture है जो अलग-अलग होता है हम सबका. Kind of or inferiority, but I think that's the respect for which you must have for your teacher. So I think a cultural reverence, cultural way of responding to seniors or to the teachers differs. ये teacher और senior को दे सकते हैं. वो अलग-अलग जैसे परमात्मा हमें कहते हैं कि जब हम पहली बार में आया था. मैं एक डॉक्टर की तरह और सर्जन की तरह आया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था ज्ञान का तो जब मैं पहली बार माउंट आबू गया जब हमने देखा चीजों को चारों तरफ अपने तो आपने मन में रिगार्ड आया सभी चीजों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट से और प्यार से उन्होंने हमें जो रिस्पेक्ट दिया उसका बहुत बहुत उसका प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा पड़ा तो and when you read Baba's movies and especially ye abhyakta movies we have seen right being in front of you so we know that this is not a normal phenomenon of intellect But this is coming through something unknown sources. ये ऐसी कोई साधारण ज्ञान नहीं है ये जो ज्ञान है ये जो बातें हैं ये कहीं बहुत ही हायर चीजों से आ रही हैं If Dadi delivered more than 1200 murlis, अगर 1200 से ज्यादा मुरलियां अव्यक्त मुरलियां You spoke to that is something phenomenal. At the same time, you know, we have a reverence. इसी समय पर मैं ये कहूँगा कि हमें वो कैथलिक थे. I think, but I enjoyed every bit of what you said. And I think concepts of God have changed. तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें होते हैं परमात्मा के बारे में. समय के अनुसार God is, you know, something is unknown which is running this universe and this planet. Thank you very much. Enjoy. Thank you. हमने बहुत आनंद लिया आपके टॉक का. And I'd like to hear you again and again. हम चाहेंगे कि आप दोबारा दोबारा प्रोग्राम में आएं
और हमें एनलाइटमेंट दें. थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो पॉइंट जो डॉक्टर मेहता ने कहा, किस तरह से हम आत्माएं जब भूल जाती हैं जिन्होंने उनको मदद की, वो बहुत सीनियर थे, और हम ये भी भूल जाते हैं कि जैसे आपने कहा और वो एक दूसरे को देखते भी नहीं, लेकिन ये एक प्रकार का विश्वास है, बिलीव है, वो हमें उस समय पर मदद करते हैं. जब हम उनको मदद करते हैं तो हमें मदद मिलती है, तो इसलिए हम जब हमें जरूरत होती है तो हमें मिलता है. कि हमें मिला नहीं है कि हमें दूसरों की तरह उसको उस समय इस्तेमाल करना होता है. जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा, जैसे हम अपने पेरेंट्स के प्रति रिगार्ड और फहन होता है, so it was very nice how you went through every little point and in about every little thing, even a har choti choti baaton mein, har choti baaton mein nature ke bhi, so nature is going to give back to us. So thank you very much for your time and your thoughts. I am sure aapke samay ke liye, aapke vicharon ke liye बहुत सारी सोच आपने इसमें डाली है, क्योंकि ये इजी वैल्यू नहीं था बताने के लिए, लेकिन हम बहुत बहुत सराहना करते हैं आपकी और अप्रिशिएट करते हैं इस पॉइंट पर बात करने के लिए. हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओम शांति. अब हम सिस्टर अनु को देते हैं कि वो जो भी अनाउंसमेंट है अगले हफ्ते की वो कर दें. Aspects of reverence. Thank you, Sister Denise, and also to you, Dr. Mehta and Saudia. We'll just quickly look through the coming up programs and. मैं आने वाले programs के बारे में बताती हूँ कि जो हमारा अपना जो यात्रा चल रही है वो हम ऐसे ही जारी रखेंगे. On reverence, with our. और reverence के बारे में. Reverence number 679 coming up next week. जो अगले हफ्ते जो 16 दिसंबर को आने वाला प्रोग्राम बनाया है वो, और सिस्टर रोना जो है वो हमें दूसरे और डेफिनेशन में दिखा रही हैं, क्योंकि ये सभी तो जो समय रहेगा 6:15 बजे का. And the next episode for Values for Life series is episode 80 on hope. हमारा जो life series का value series का program है उसमें जो आशा दीदी हैं वो इस पर retreat करेंगे. And it is on 9th of December. और ये online video है. जैसा आज का समय था उसी समय पर आप join करें. It was not 9 December. I'm sorry to interrupt. 9 December is today. Oh, yes. Sorry. Yeah. It is today. So it is, sorry for the mistake. 2 weeks from now. Yeah. Got no to worries. Change. So it would be on. So ye jo hai wo. Thank you. Yeah. We'll have the photograph. If everybody can open their video, please. So that we can make this moment. जिस हम मोमेंट को हमेशा के लिए यादगार बना लें, तो ये हम फोटोग्राफ लेते हैं जिनीस बहन के साथ. आप वीडियो पर लें. So we'll go into the meditation mode, and if you can play some soft music in the background, Sister Anu. I think you'll be doing some meditation commentary, right? Sister Claudia. तो सिस्टर थोड़ी सी मेडिटेशन कमेंट्री कराएंगे. ओम शांति. ओम शांति. ट
एक मिनट के लिए अपने अंतर की तरफ चलें of God, the invisible, the intangible, the benefactor, the beloved. जो benefactor है, कल्याणकारी है, उसकी जो महानता है प्रकृति की, उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता, जिसके ऊपर हम स्थूल हमारा शरीर पूरा निर्भर करता है, महानता उनकी जो हमारे जीवन में वो शक्ति हमें रास्ता दिखा कर जा गए हैं, हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए एक आदर्श है, वो जो हमारी परवाह करते हैं, most revered of all aur sabse uncha jiski hame shraddha rakhni hoti hai wo hai sabse param pita parmatma jo hamare mata hain pita hain jo ki avinashi hain jo hame jante hain and who at the time of great need जो सबसे ज्यादा जरूरत के समय पर हलचल के समय इस दुनिया में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि हम कौन हैं, ऐसी दुनिया कि जिसमें महान लोग रहते हैं, of your own existence. अपने ही होने का अगर हम एहसास करें, उसको देखें, कितनी सुंदर आत्मा, जो इस प्रेजेंट समय पर थोड़ी अपनी एनर्जी में, ऊर्जा में कम है, जब वो परमपिता से जुड़ती है, तो वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है, संपूर्ण बन जाती है, अपना जो है वो संपूर्ण वर्जन बन जाती है, तो वो भी जो है उसका भी हमें उसके प्रति भी श्रद्धा भाव रखना चाहिए. इस गहरे मौन में ये याद रखना है वो आत्मा जो हमेशा दाता है सब चीजों की, ओम शांति, उन सब के प्रति श्रद्धा भाव, ओम शांति. थैंक यू सो मच वंस अगेन इमेंसली फॉर योर, हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू.